अभी हम लोग देखेंगे, वापस फिर हम लोग जा रहे हैं वन साइडेड एरर्स में ही जा रहे हैं, बट अमाउंट का इफेक्ट क्या होगा, डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट होगा, यह हमेशा याद रखेंगे कि अभी डबल इफेक्ट होगा। उसके पहले एक बात का आप थोड़ा जवाब दीजिए। देखो, जब हम लोग वेजेज पेड करते हैं तो क्या लिखते हैं आप, वेजेज अकाउंट डीआर। कमीशन पेड करेंगे तो क्या लिखेंगे, कमीशन अकाउंट डीआर। यानी अगर हम कमीशन पेड करेंगे तो कमीशन अकाउंट डीआर लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर। शॉर्ट में लिख रहे हैं सर, डिस्काउंट पेड तो डिस्काउंट अकाउंट डीआर, सैलरी पेड सैलरी अकाउंट डीआर। जितने कुछ पेड होंगे सब डेबिट होता है, यह बात तो आप जानते हैं। इसका मतलब जितना कुछ रिसीव्ड होगा, अगर हम लोग सैलरी रिसीव्ड करेंगे तो कैश अकाउंट डीआर टू सैलरी, पेड करेंगे तो सैलरी ऊपर हो जाएगा, जा रहा है आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कमीशन इंटरेस्ट या डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो क्रेडिट होगा, यह हम लोग पहले से जानते हैं। अब क्या होता है, किस तरह के एरर्स हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कमीशन पेड किया, तो कमीशन पेड किए तो हमको डेबिट करना चाहिए था, बट बोलेगा कि गलती से आपने क्या किया, कमीशन रिसीव्ड में पोस्टिंग कर दिया। इंटरेस्ट पेड किए बट गलती से आपने क्या किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड में पोस्ट कर दिया। डिस्काउंट पेड किए, डिस्काउंट रिसीव्ड में पोस्ट हो गया। इसी तरह से जो रिसीव्ड है वो बोलेगा पेड में आपका पोस्टिंग हो गया। तब इसको ही वन साइडेड एरर्स बोलते हैं, बट इसमें अमाउंट का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डबल इफेक्ट हो जाता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल पहले हम दे रहे हैं, आप भी लिखते जाइए, कमीशन पेड ₹500 रॉन्गली पोस्टेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट पेड ₹500 wrongly credited to interest received account। डिस्काउंट पेड ₹500 रॉन्गली पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसी तरह से हम तीन एग्जाम्पल आपको देंगे जहां पर कमीशन रिसीव्ड रहेगा बट रॉन्गली क्या हो जाएगा, कमीशन पेड उल्टा। पहले आप इसको देख लो, समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक कॉपी किए हैं, जल्दी से कॉपी करो, यहां तक आप पहले कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए। कमीशन पेड, कमीशन हम लोग पेड किए हैं, यानी कमीशन पेड का एंट्री नहीं हुआ है,
तो हम लोग एंट्री करेंगे। कमीशन पेड क्या होता है? डेबिट होता है। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा, कमीशन पेड डेबिट होता है। तो हम लोग कमीशन पेड का एंट्री नहीं किया। आप बोलेंगे सर कैसे पता चला नहीं एंट्री किए, क्योंकि यहां तो आप लिखे हैं रॉन्गली, आपने इसको कहां कर दिया था, कमीशन रिसीव्ड में। तो देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम लोग कमीशन पेड का एंट्री नहीं किए हैं, तो हम लोग सबसे पहले कमीशन पेड अकाउंट डेबिट कर देंगे 500। एंट्री आपने नहीं किया था, अरे कमीशन कमीशन ही दोनों है, दो साइड तो पता नहीं है, खाली ये था कि डेबिट करना था तो क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट करना था तो डेबिट कर दिए, तो कमीशन पेड अकाउंट डी यार पहले पूरा समझ लीजिएगा फिर कॉपी करेंगे। कमीशन पेड का आपने एंट्री नहीं किया तो अब हम एंट्री कर रहे हैं, तो कमीशन पेड लिख दिए। तो कमीशन पेड अकाउंट डी आर टू सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, तो आप बोलेंगे मेरा काम हो गया, नहीं काम हुआ, ये तो जो एंट्री आपने नहीं किया था सो अभी आपको पता चला तो कर दिए, लेकिन आपने जो गलती करके रखा है उसका इफेक्ट तो खत्म करना पड़ेगा। आपने क्या कर दिया था, रिसीव्ड कर दिए थे, रिसीव्ड मतलब क्रेडिट में कर दिए, तो उसका इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। यानी आपको एक एंट्री फिर से करना पड़ा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 500, दोनों को मिला के कितना हो गया 1000। बोले थे ना कि डबल इफेक्ट होगा अमाउंट का। यानी क्या ध्यान रखना है ऐसे चीजों में, ऐसे चीजों में ये चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज आपने नहीं पास किया था पहले उसको पास कर दो। जैसे यहां पर देखो, यहां देखो इंटरेस्ट पेड हम लोगों ने किया, क्या एंट्री पास किए हैं, नहीं किए हैं, तो हम लोग इंटरेस्ट पेड अकाउंट डी आर टू सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, यानी 500 500। बट हम लोगों ने तो इसका एक गलती एंट्री करके बैठे हैं, क्या किए हैं बोलिए, हम लोगों ने इसको इंटरेस्ट रिसीव्ड में पोस्टिंग कर दिए हैं। तो पहले जो नहीं किए उसको कीजिए, क्या होगा बोलिए, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डीआर 500। आप बोलेंगे टू सस्पेंस अकाउंट कर दीजिए, ठीक है टू सस्पेंस अकाउंट कर दिए, ये हमारा जो चीज छूट गया था उसका एंट्री हुआ। बट आपने तो रॉन्गली क्रेडिट कर दिए हैं किसको, इंटरेस्ट रिसीव्ड को, मतलब ट्रायल बैलेंस में हमको लिखना चाहिए था डेबिट साइड में, तो हम लोगों ने किधर लिख दिया, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जब लिख दिया उसको काट के तो डेबिट में नहीं कर सकते हैं, अब उसका जो इफेक्ट है उसको हटाना है, तब हम फिर से क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड को डेबिट कर देंगे 500 से और अमाउंट का डबल इफेक्ट हो गया। सेम यहां पर भी होगा, डिस्काउंट हम लोगों ने पेड किया बट एंट्री नहीं किए, आप बोलेंगे कैसे सर किए ना रिसीव्ड में, अरे आप तो रिसीव्ड नहीं किए, पेड का तो किए हैं क्या, नहीं किए हैं, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट पेड अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 2 सस्पेंस अकाउंट हो गया। लेकिन जो चीज आप गलती करके रखे हैं, मतलब आपको लिखना था डेबिट साइड में लेकिन आपने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो डेबिट में नहीं लिखे थे तो आपने लिख दिया 500, बट जो क्रेडिट में आपने लिख के रखा है उसका इफेक्ट जब तक खत्म नहीं करिएगा तब तक तो डेबिट में नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट में आपने 500 किया अभी डेबिट में 500 किए तो उसका इफेक्ट तो दोनों तरफ बराबर हो गया। लेकिन जो डेबिट में होना चाहिए था उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको आपने पहले से क्रेडिट करके रखा है उसको डेबिट कर देना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डीआर हो गया सस्पेंस अकाउंट 1000। तो देखो क्या हमेशा कमीशन पेड ही कमीशन रिसीव्ड में जाएगा, सम्स में सभी तो दे सकता है, कमीशन रिसीव्ड रुपीज 500 रॉन्गली पोस्टेड टू कमीशन पेड अकाउंट, तो हम लोगों ने रिसीव्ड का एंट्री नहीं किया तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट डी आर टू कमीशन रिसीव्ड लिख देंगे। लेकिन हम लोगों ने गलती से जो है उसको कहां पोस्ट किया, उसका इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्रेडिट में लेकर जाना पड़ेगा, जैसे आप क्रेडिट को डेबिट में लेकर जा रहे थे। तो फिर हम तीन आपको एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, तीन एग्जाम्पल वापस लिखिए।
कमीशन रिसीव ₹300 रॉन्गली पोस्टेड टू कमीशन रिसीव्ड ₹300 रॉन्गली पोस्टेड टू कमीशन पेड अकाउंट. ठीक, अब हम इंटरेस्ट का लेंगे. जहां कमीशन लिखे हैं वहां पर क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹300 पोस्टेड टू इंटरेस्ट. रॉन्गली पोस्टेड भी हो गया तो रॉन्गली ही तो हो गया, तभी तो हम लोग को रिसीव्ड में करना था, लेकिन पोस्ट कहां कर दिए? पेड में. डिस्काउंट रिसीव्ड ₹300 रॉन्गली पोस्टेड टू डिस्काउंट पेड अकाउंट. एक एक करके ध्यान से देख लो. कमीशन रिसीव्ड हम लोग किए थे. रिसीव्ड कहां होता है जी? देखिए यहां पर क्रेडिट में होता है. हम लोगों ने तो ये एंट्री किया ही नहीं. रिसीव्ड की जगह हम लोग क्या पोस्ट करके बैठे हुए हैं? कमीशन पेड. मतलब करना चाहिए था क्रेडिट, हम लोगों ने डेबिट करके बैठ दिया. तो पहले जो एंट्री आपने नहीं किया, पहले उस एंट्री को करो. तो कमीशन रिसीव्ड कहां जाएगा? तो हम लोग करेंगे सस्पेंस अकाउंट DR टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट और 300 लिख के बैठ गए. मतलब ठीक हो गया हमारा, यानी जो नहीं किए थे सो कर दिए. लेकिन इससे आपका इफेक्ट खत्म नहीं हुआ. कैसे खत्म नहीं हुआ? जरा यहां पर देख लीजिए. यहां पर देखेंगे जी, चीजों को बढ़िया से समझने के लिए आप एक बार यहां पर देखिए. देखो ये एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस होता है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है. कमीशन रिसीव्ड किए थे आप 300, बट आपने तो ₹300 डेबिट में लिख दिया था. जब अभी आपको पता चला तो आपने क्रेडिट में लिख दिया, बट 300-300 तो बराबर हो गया. अगर आप खाली यह लिख के छोड़ देंगे तो आपका फिर भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा. यानी जो गलती हम लोग किए हैं, जो पेड में हम लोग लिखे हैं, उसको फिर से हम लोग यहां पर क्रेडिट में कर देंगे. तो क्या हुआ? यह दोनों खत्म हो गया और आपका 300 का इफेक्ट रह जाएगा. वही हम लोग किए. देखिए कमीशन रिसीव्ड 300, हम लोग कमीशन रिसीव्ड को नहीं लिखे थे तो पहले लिख दिए. कंप्लीट हो गया. अब हम लोगों ने गलती से क्या किया था? पेड. पेड मतलब डेबिट में. उसका इफेक्ट हम लोग खत्म करने के लिए कमीशन पेड को क्रेडिट कर दिए और डबल इफेक्ट आ गया आपका अमाउंट का. देखिए यहां पर भी वही बात है. इंटरेस्ट रिसीव्ड का आपने एंट्री ही नहीं किया तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए? सस्पेंस अकाउंट DR इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 300 लिख दिए. अभी तक तो चलिए ये क्या हुआ कि जो आप नहीं लिखे थे उसको आपने ठीक किया, बट इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपने इंटरेस्ट पेड किया था, इंटरेस्ट पेड मतलब डेबिट में था, तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ा? क्रेडिट में करना पड़ा. डिस्काउंट आपने रिसीव्ड किया, लिखे ही नहीं, तो हमको लिखना पड़ेगा. सस्पेंस अकाउंट DR टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिख दिए. लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? जो ये इफेक्ट है उसको खत्म करने के लिए डिस्काउंट पेड अकाउंट करना पड़ेगा 300. दोनों मिला के क्या हो गया? 600. पहला जो क्लास था उसमें आप वन साइडेड देख रहे थे, बट
वहां पर एक ही साइड में कम हो रहा था या बेसी हो रहा था, अंडरकास्ट ओवरकास्ट। मान लीजिए अगर हम 300 से अगर डेबिट को कम किए हैं तो डेबिट कर दिए, 300 से अगर क्रेडिट को कम किए हैं तो वहां पर हम लोग बढ़ा दिए, या ये हम लोग कर रहे थे। बट आज के क्लास में जो आपने वन साइडेड को ही देखा, यहां पर क्या हो रहा था, डेबिट करना था बट हम लोगों ने क्या किया, क्रेडिट कर दिया, या क्रेडिट करना था तो हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, इसलिए उसका इफेक्ट क्या हुआ, डबल हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ बात।